सिवनी जिले में यूरिया खाद की जमकर कालाबाजारी चलने से किसानों के लिए यूरिया खाद की किल्लत बन रही है। किसानों को यूरिया के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोसाइटियों में घंटों कतार में लगने के बाद छोटे बड़े सभी किसानों को सिर्फ दो दो बोरी यूरिया दी जा रही है, ताकि किसान जिले में हंगामा न कर सके। सिवनी जिले के जिला विपणन अधिकारी हीरेन्द्र रघुवंशी और किसान कल्याण विभाग के उपसंचालक जिले में खाद की कोई कमी न होने का दावा कर रहे हैं। वहीं समितियों में किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों की माने तो उन्हें एक एकड़ में 3 बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एक एकड़ का किसान हो या 15 एकड़ का किसान हो, सिर्फ 2 बोरी यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यूरिया की भारी किल्लत है। वहीं सोसाइटियों में जितनी मात्रा में खाद की बोरी भेजी जा रही है, उससे 2 गुना किसान खाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? नारायण। हाँ, क्या समस्या है? अरे 2 बोरी दे रहा है, वो भी 1 हफ्ता के बाद में नहीं दे रहा है। यहाँ 2 बोरी भी 8 तारीख का दाए तो कहा था, अब देखा कहता था अगले महीने में, कहता अगले महीने में क्या करेंगे हम, जो बताओ। काश्कार 8 एकड़ जमीन हम कहाँ से पूर्ति कर लेंगे, 2 बोरी में हो जाए क्या? जैतपुर कला जिला सिवनी, और करीब करीब हम यहाँ 5-6 दिन तक रेगुलर आ रहे हैं, यहाँ यूरिया नहीं मिल रही है। और मेरे पास में 15 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन के लिए अगर 2 बोरी अगर यूरिया डालूँगा, कम से कम प्रति एकड़ 3 बोरी यूरिया लगती है, लेकिन हम लोगों किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। किसान खेत का देखेगा या यूरिया के लिए इधर लाइन लगेगा, और जहाँ चाहो वहाँ हमको यूरिया नहीं मिल रही है। और बस हम यही कहते हैं, बस हमको किसानों को सुविधा मिले सही से। एक तो मक्का का भी भावांतर हमको तरीक़ा से नहीं मिल पाया, ना गेहूं का बेला है, और हम यही हमको ना सोसाइटी में हमको कर्जा नहीं पटा पाए, इसके कारण वहाँ सोसाइटी में भी हमको यूरिया नहीं मिल रही है। क्या नाम है? बसंत बघेल, ग्राम जैतपुर कला। भैया यहाँ जानकारी कौन देगा? अब यहाँ तो ऐसा है, सरकार इतनी सुविधा दे रही, लेकिन सब लॉकडाउन चल रहा है, मगर सब खुले हैं बिना मास्क के। मास्क भी खुले और लाइन भी, मास्क भी है लाइन भी नहीं। सुबह 8 बजे से आए हैं लोग, एडवोकेट हूँ पैसे से, और मेरी खेती पीपड़ाही में है ना, तो पीपड़ाही में है, तो मैं सुबह 8 बजे से पावती जमा किया हूँ, और अभी तक मेरा नंबर नहीं लगा। यहाँ इतनी भीड़ है कि एक के ऊपर एक खड़े हो रहे हैं लोग हैं बिना मास्क के। सोशल डिस्टेंसिंग ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, और ना ही यहाँ कोई व्यवस्था है। किसानों को साफ बाहर खड़े कर दिए हैं, और ना लाइन लग रही ना नंबर लगा रहे। एक भाई में कितनी बोरी? ग्राम कोहका का रहने वाला, यहाँ पर 2 घंटे से लाइन में लगा था, उसके बाद यूरिया आने वाला है, टोकन थमा दिया गया है, और अभी कोई चांस नहीं मिलने का। कहाँ से? ग्राम कोहका पीपड़। यूरिया जो है स्टॉक है 280 बोरी, जिसका हम किसानों की सुविधा के लिए और भीड़ को देखते हुए 2-2 बोरी प्रदाय कर रहे हैं। जैसे अब भैया हमें ड्यूटी हमारी कल से लगी थी, तो कल तो वितरण नहीं हो पाया, आज हमारी ड्यूटी लगी, हम अपने सामने नियंत्रण में बंटवा रहे हैं। 280 बोरी आई हैं, सब किसानों को 2-2 बोरी बराबर बांटी जा रही है, सोसाइटी रेट में से यूरिया मिल रही है यहाँ पर। अभी अगला ट्रक आएगा जब टोकन दे रहे हैं सब लोगों को, फिर वो वापस उसी टोकन के आधार पर यूरिया बांट दी जाएगी। क्या नाम है आपका? घनश्याम बघेल। कहाँ के किसान? खैरी कला। सोशल डिस्टेंस के देखो कोटवार है, हमने गोले लगवाए, लेकिन जनता मान नहीं रही है, अब क्या करें। जनता को स्वयं समझना चाहिए कि हमें सुरक्षित रहना है, तो हमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। अब किसान आ रहा है, अब जितनी सुविधा है भाई उतनी तो हम सामने से दे रहे हैं, हमारी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।